नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, आज हम आपके बीच बात करेंगे झंडू गिलोय टैबलेट। साथियों, 20 टैबलेट की ये बॉक्स है। साथियों, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक किसी तरह का मेडिकल स्टोर हो उस पर इजिली से ये मिल जाती है। साथियों, ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है गिलोय। साथियों, गिलोय एक क्रूड ड्रग है, उसका एक्सट्रैक्ट है, उसकी ये टैबलेट है। साथियों, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसके कंपोजिशन की बात करेंगे और इसके यूजेस की बात करेंगे, डोजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन और इंट्रैक्शन, MRP की बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। झंडू गिलोय टैबलेट साथियों, इसी का जूस भी आता है साथियों, और जूस की आई थिंक हमने पहले भी वीडियो बनाई, अगर आप देखना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। साथियों, आज हम डिस्कशन करेंगे झंडू गिलोय टैबलेट। साथियों, 20 टैबलेट की ये बॉक्स है, उसकी 50 रुपीज़ MRP है। इस तरह की स्टिप होती है, ईच स्टिप कह सकते हैं साथियों 25 रुपीज़ की है, पर पूरा बॉक्स लेने से 50 रुपीज़ में ही मिलता है। साथियों, झंडू गिलोय कैन बी यूज टू ट्रीट क्रॉनिक फीवर। कहने का मतलब है, जिनको बुखार आता है लॉन्ग टर्म से और दवाई लेने से उतर जाता है फिर आ जाता है, ऐसे केस में क्या होता है, अगर सपोर्टिव मेडिसिन में अगर झंडू गिलोय टैबलेट लेंगे तो फीवर नहीं आएगा। साथ ही साथ ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है हेल्दी बनाता है। किसी तरह का विकार है, डाइजेशन नहीं होता है, पेट अपसेट रहता है, पेप्टिक अल्सर है किसी तरह की, और जो है उसको जो है दूर करता है, और ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को नहीं होने देता, अगर है तो उसको ट्रीट करता है। इट कैन बी यूज टू बूस्ट इम्यूनिटी। साथियों, ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कहने का मतलब है, रोगों से लड़ने की क्षमता बनाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथियों, आजकल कोविड के दौर में क्या होता है कि जरा सा इम्यूनिटी वीक होती है तो मतलब बहुत तरह, जैसे फ्लू है या कोरोना, इस तरह से हो जाता है। ऐसे केस में क्या होता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो है गिलोय जूस या गिलोय टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। साथियों, इट हेल्प्स योर बॉडी फाइट टू वेरियस बैक्टीरियल एंड रिकरिंग डिजीज। साथियों, किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या किसी तरह का विकार है शरीर में, कोई बीमारी है, तो उसको रिकवर करने में ये मदद करती है। साथियों, 20 स्ट्रिप टैबलेट है, 50 रुपीज़ MRP है। साथियों, तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, कंपोजिशन की साथियों बात करेंगे। साथियों, इसके अंदर जो है गिलोय, जिसको जो है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, वो इसमें मिला होता है, उसका एक्सट्रैक्ट है। साथियों जब भी परचेज करेंगे, आपको इसमें जो है इसका कंपोजिशन भी दिया होगा, ये देखिए साथियों यहाँ पे दिया है। साथियों, कंपोजिशन लिखा है, ईच टैबलेट कंटेंस टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। साथियों, और साथियों ये तो इसका जो है कंपोजिशन हो गया। यूजेस की बात करेंगे साथियों, ये हाईली इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या करता है, डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, दुरुस्त करता है, एंड आल्सो एक्ट एज ए माइल्ड लक्सेटिव। साथियों, जिनका पेट साफ नहीं होता है, अगर रात में सोते वक्त गुनगुने पानी के साथ अगर इस टैबलेट का या इसका जूस सेवन करेंगे तो सुबह पेट साफ हो जाता है। कहने का मतलब, ये माइल्ड लक्सेटिव की तरह वर्क करता है, और क्या होता है, ये मतलब कॉन्स्टिपेशन है उसको क्योर भी करता है। अगर बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, उसको भी जो है ठीक करता है। साथियों, इट कैन बी यूज टू रिड्यूस दी हाई ब्लड शुगर लेवल। साथियों, जो शुगर के रोगी हैं, जिनको डायबिटीज़ है, उनके जो है क्या होता है कि शुगर को जो है मेंटेन करने में बहुत मददगार है, और उससे संबंधित, डायबिटीज़ से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, अलाइनमेंट रिलेटेड टू डायबिटीज़, उनको भी ये ठीक करता है। साथियों ये किसी तरह का जैसे एंजाइटी है, टेंशन है, हेजिटेशन है, और जिनको नींद नहीं आती, इंसोमनिया है, उसमें भी बहुत मददगार है। और ये क्या होता है, माइल्ड सेडेटिव का जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी होता है, तो ये इफेक्टिव दैट ट्रीट एंजाइटी, मतलब चिंता है, टेंशन है, उसको भी दूर करता है, डिप्रेशन की शिकायत को दूर करता है, इंसोमनिया की शिकायत को दूर करता है। साथियों, इट एक्ट एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। साथियों, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी की भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे किसी तरह का बॉडी में सूजन है, गले में जैसे सूजन हो जाती है, कोल्ड या ठंड लग जाती है, उसको भी जो है ठीक करता है। एंड यूजफुल इन ट्रीटिंग रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहने का मतलब है कि जैसे गले में खराश हो जाती है, और क्या होता है कि किसी तरह का जैसे फेफड़ों में जो है नमी भर जाती है, निमोनिया टाइप का हो जाता है, उन सभी को भी जो है ठीक करने में बहुत ही मददगार है। साथियों, रिड्यूस द एजिंग। साथियों, क्या होता है, जेरियोटिक रिकवरी ओल्ड एज। एज जब बढ़ती है तो क्या होता है, चेहरे में जो है झुर्रियाँ लटक जाती हैं, और वो क्या होता है कि
मतलब बहुत बुरा लगता है, ऐसे केस में अगर गिलोय का जूस या टैबलेट का सेवन करेंगे तो उम्र जो है पता नहीं चलेगी कितनी है, तो उसको जो है एजिंग को रिड्यूस करता है और ये आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है। गिलोय जो है टैबलेट जो है आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है, तो इम्प्रूविंग विजन एंड ट्रीटमेंट अस्थमा। और जो रोगी अस्थमा के हैं, अस्थमा में सपोर्टिव मेडिसिन में इस टैबलेट को लेंगे तो वो जो है बहुत आराम मिलेगा। साथियों ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस और जॉइंटिस के इस्तेमाल में भी ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल की जाती है, और जिनका स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है, जिनको शुगर होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, जिन रोगियों को भूख नहीं लगती है और उनको जो है भूख बहुत लगने लगती है साथियों, तो ये जो है एपिटाइजर का भी काम करता है। क्रॉनिक फीवर होता है उसको भी ठीक करता है, और कफ एंड कोल्ड में भी ये बहुत ही मददगार है। कहने का मतलब है बहुत ही अच्छी, ट्रूली सेफ, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है साथियों और हार्मफुल नहीं है साथियों। साथियों वैसे तो देखा जाए इट मे बी, मतलब इसके जो साइड इफेक्ट की बात करेंगे, इट माइट मे बी हार्मफुल इन प्रेग्नेंट वुमेन। साथियों वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो इस टैबलेट को ना लें तो अच्छा, अदरवाइज जो है बगैर गायनकोलॉजिस्ट की सलाह से इसको ना लें। तो मतलब प्रेग्नेंट महिलाओं में नहीं लेना है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो इसको अवॉइड करें गिलोय को कंज्यूम करने से, क्योंकि वो मिल्क के जरिए बच्चे में जा सकता है। और साथ ही साथ क्या है, जिनके नेसल पेन होता है, हेडेक होता है, वो रोगी इसको ना ले। तो ये इस तरह के हल्के फुल्के लक्षण है साथियों, अदरवाइज कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। साथियों प्रिकॉशन की बात करेंगे तो प्रेगनेंसी में इसको प्रेग्नेंट वुमेन ना लें, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ना लें साथियों, और जो शुगर के रोगी हैं उनको बहुत ध्यान देना है। ये शुगर को क्या करता है, मेंटेन करने में बहुत मददगार है। तो ऐसे केस में क्या होता है साथियों, शुगर की एलोपैथ भी लोग दवा खाते हैं, जैसे ग्लिमिप्राइड है, इंसुलिन है, पायोग्लिटाजोन है, ग्लाइपिजाइड है, वो तो शुगर को जो है कम करेगी, साथ ही साथ क्या होता है ये भी वर्क करेगी, तो शुगर बहुत लो होने के चांस हो जाते हैं। कहने का मतलब हाइपोग्लाइसीमिया के चांस हो जाएंगे। ऐसे केस में क्या है कि दोनों दवाई एक साथ ना लें साथियों, शुगर के रोगियों के लिए ये है कि तो शुगर ज़्यादा लो होने के चांस हो जाते हैं। साथियों इंट्रैक्शन की बात करेंगे, जैसा कि अभी बताया कि डायबिटीज मेडिसिन के साथ इसके इंट्रैक्शन है, जैसे ग्लिमिप्राइड है, इंसुलिन है, पायोग्लिटाजोन है और ग्लाइपिजाइड है, वो दवाई अगर खा रहे हैं तो इस दवाई का सेवन ना करें, नहीं तो शुगर बहुत ज़्यादा डाउन होने के चांस हो जाते हैं। साथियों जो इसका MRP है 50 rupees है, और ये एक झंडू एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका ये प्रोडक्ट है मार्केट में इजली से, इमामी कंपनी का जो है प्रोडक्ट है, जो है झंडू गिलोय टैबलेट। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।